अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। उम्मीद कर चलो, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 में तुमको क्या कह रहा है कि तीन वस्तु दे दिया, ए बी सी, और सबके दूरी समय ग्राफ दे दिया है, ठीक है। और ग्राफ का क्या कह रहा है कि अध्ययन के लिए तीनों प्रश्न को उत्तर दीजिए कि तीनों में से कौन सबसे तीव्र गति से गतिमान है। क्या तीनों किसी भी समय सड़क के एक ही बिंदु पर होंगे? जिस समय बी ए से गुजरती है उस समय सी कहाँ पर होगा? जिस समय बी सी से गुजरती उस समय तक यह कितनी दूरी, जिस समय बी सी से गुजरती है जी उस समय तक यह कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है। तो तीन को पॉइंट है बाबू, ठीक है, ए बी और सी, ठीक है। यदि इसको और जूम इन कर देता हूँ तो, और जूम इन अधिक करता हूँ थोड़ा सा, और देख लो परफेक्ट हो जाना चाहिए, थोड़ा सा और जूम इन लो, 1 सेकंड और करो। बिल्कुल बाबू, 330 तक जूम इन कर दिए हैं, आ गया जा। तो तुमको क्या कह रहा है कि ए सी बी, पहले इन तीनों में से कौन ज्यादा है जो गतिमान है, ठीक है बाबू। तो गतिमान का एक सबसे परफेक्ट चीज क्या होता है कि वह जो जितना खड़ा हो, ठीक है, वह जितना क्या है, वह गतिमान है, वानी वो कितना है उतना ही स्पीड में, जिसका ग्राफ जितना क्या हो खड़ा हो। तो यहाँ पर तुमको कौन ज्यादा सबसे खड़ा नजर आ रहा होगा ग्राफ, तुमको कौन है यार? ये हो गया ना, यहाँ पर देख लो, स्क्रोल ऐसे देख लो, मार्कर यूज करें तो और खत्म हो जा रहा है। तो यहाँ पर देख लो, तो सबसे खड़ा कौन नजर आ रहा है, बी नजर आ रहा है कि सी नजर आ रहा है कि ए नजर आ रहा है? जो सबसे खड़ा रहा तो वही सबसे ज्यादा गतिमान है। यहाँ पर देख रहा हो सबसे ज्यादा खड़ा कौन है, बी न है, तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा गतिमान होगा कौन होगा, बी होगा। वो कैसे होगा इसको हम प्रूफ कर देंगे, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ तुमको देख लो कि कौन है जो सबसे ज्यादा जो होगा कौन होगा, जो होगा वह बी। चलो, तो सबसे ज्यादा यहाँ पर गतिमान जो हो जाएगा, गतिमान में तो गतिमान में कौन हो गया, ए, यानी ये क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा गतिमान कौन है, बी। कैसे है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लो, 0 से स्टार्ट है ना, बी जो है कहाँ से स्टार्ट है, बी जो है 0 से स्टार्ट है, यानी बी का यू क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर देख लो, दूरी और समय है, तो दूरी समय ग्राफ से हमेशा क्या निकलता है, चाल ना निकलता है, तो चाल निकलता है, तो यू क्या हो जाएगा, 0 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, क्योंकि 0 से तुमने स्टार्ट ही कर रहा है। नहीं तो इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन नहीं, तो यू यू और भी लिखने का कोई जरूरत भी नहीं पड़ता है। यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन में कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, और क्या है, बी जो है कहाँ तक पहुँच रहा है, 12 तक पहुँच रहा है, देख लो एकदम लगभग 12 तक है, ठीक है। तुम सब लोग के पास क्वेश्चन होगा ना, और देख लो, तो बी का जो भी वेग है वो कितना है, यानी भी है कितना है, 12 किलोमीटर तक दूरी तय किया है, ठीक है, भी नहीं सॉरी, ये सही कितना हो गया, 12 किलोमीटर। तो 12 किलोमीटर कितना देरी में तय किया है, यहाँ पर यदि मिलाना चाहो तो क्या हो जाएगा, 1.2 ए है ना, 1.3 हो जाएगा, 1.4, ये देख लो 1.5 ये हो जाएगा, 1.4 हो जाएगा, 1.3, तो लगभग जो टाइम है वो कितना हो जाएगा, 1.3 आवर हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ से यदि भी निकालना चाहे तो भी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय ना, तो दूरी 12 ना, तो 12 बटा 1.3, ठीक है। चल, लगभग क्या हो जाएगा, लगभग यहाँ से क्या हो जाएगा, लगभग 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, 13 नवा 17 से होता है ना, लगभग लिख लो, लगभग 9 किलोमीटर पर आवर किसका स्पीड हो गया, बी का। अब हम निकाल लेते हैं ए का, ए जो है जो देख लो तो कहाँ से स्टार्ट होता है, ए जो है इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है ना, तो 4 हो गया 8 है, तो लगभग मान लो इसको, तो लगभग मान लो कहते हैं तो ये 7 से स्टार्ट है, ठीक है। कितना से स्टार्ट है, 7 से स्टार्ट है, ठीक है, और 7 से स्टार्ट हो रहा है, गया है कहाँ तक है, जा रहा है इस पॉइंट तक ना,
लगभग लगभग 12 तक जा रहा है, ठीक है। तो इसने कितना दूरी तय कर लिया, 7 किलोमीटर से चल रहा है और 12 किलोमीटर तक गया, तो लगभग कितना दूरी तय किया, 5 किलोमीटर करना, तो 5 किलोमीटर का दूरी इसने तय कर लिया। और समय कितना ले रहा है, समय तो इसका लग गया है 1.6 से भी ज़्यादा ना, तो लगभग 2 घंटा का समय लग गया है, ठीक है। तो 2 घंटा का समय लगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लगभग 2.5 किलोमीटर बराबर ना, लगभग। सी का इसी तरह से निकाल लो, तो सी कहाँ से चला है, सी 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 300 मान लेते हैं कि लगभग 300 स्टार्ट किया है, और 300 स्टार्ट करके भी लगभग कहाँ तक तो पहुँचा है, 12 तक में। तो दूरी क्या हो जाएगा, 3 से 12 के बीच में 9 किलोमीटर का, और 9 किलोमीटर का और समय कितना ले रहा है, समय ये भी 1.6 से ज़्यादा ही ले रहा है, लगभग 2 का ही ले रहा है, क्या हो जाएगा 4.5 किलोमीटर। तो यहाँ से देख लो लगभग में ही यदि हम निकाले हैं तो फिर भी क्या हो रहा है, ये ज़्यादा आ रहा है कि बी का कि नहीं, बी का ज़्यादा आ रहा है ना, है तो वही बात कर रहे हैं तुम तो, कि जो खड़ा होगा जो सबसे ज़्यादा वो उसी का चाल का होगा सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। अब बी क्या कह रहा है कि क्या ये तीनों किसी भी समय सड़क पर एक ही बिंदु पर होंगे, तो तीनों एक ही समय कहाँ है फिर, तीनों एक ही बिंदु पर ना, नहीं यहाँ पर थी, इस पॉइंट पर है तो दोनों है, इस पॉइंट पर भी तो दोनों है, इस पॉइंट पर भी तो दोनों है, तीनों एक ही पॉइंट पर ना ना है, तो तीनों एक पॉइंट पर कभी 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 या गतिमान। फिर क्या करिए, जिस समय बी ए से गुजरते उस समय सी कितनी दूरी तय कर लेती है, बी ए से गुजर रही है, बी जो है बी चल रही है, ए से गुजर रही है कहाँ पर, इस पॉइंट पर ना, ए से गुजर रही है, तो उसी समय सी कितनी दूरी तय कर लेते हैं, उसी समय, अच्छा सॉरी बी तो बी ए है ना, सॉरी ए ए है ना, हाँ तो ए ए पॉइंट पर है, ए पॉइंट पर ए ना है, याद देख लो ए ए हो गया। तो उस समय सी, उस समय तक सी जो है जो कितना दूरी तय कर लेता है बाबू, तो लगभग क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लो इस पॉइंट पर तक ना है, जे इस पॉइंट पर मिल रहा है यानी इस समय पर, तीसरे समय पर सी कहाँ पर है, सी जो है जो इस पॉइंट पर है, तो जिससे सी को हम लेगा लगभग कितना दूरी तय कर रहता है, हम लगभग लिख सकते हैं लगभग 7 किलोमीटर की वह दूरी तय कर। फिर क्या करके, जिस समय बी सी से गुजरती है उस समय तक ए कितना दूरी तय कर रहता है, जिस समय बी जो है जो सी से गुजर रहा है, तो बी सी से इस पॉइंट पर ना गुजर रहा है, तो इस पॉइंट पर गुजर रहा है, तो उस समय ए कितना दूरी तय किया है, लगभग 8 किलोमीटर, ए जो है जो लगभग कितना दूरी तय किया है, 8 किलोमीटर, ठीक है। चलो।